उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए शीघ्र ही परीक्षा कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है और युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7000 भर्तियाँ जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहाँ पर जाँच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7000 की 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है।